अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जानकारी मिली है कि उनकी तबीयत लुधियाना के पास खराब हो गई, जिसके बाद तुरंत उन्हें लुधियाना के एक अस्पताल में ले जाया गया। बीते कई दिनों से बढ़ रही गर्मी के बीच सुखबीर सिंह बादल पंजाब बचाओ यात्रा में डटे हुए थे और लोगों से मिल रहे थे। इस दौरान वे अलग अलग जिलों के गाँवों में जाकर रैलियाँ निकाल रहे थे, जिसके बाद उनकी सेहत में हल्की गिरावट देखने को मिली। मिली जानकारी के अनुसार सुखबीर सिंह बादल को डायरिया हो गया है। उनके अचानक बीमार पड़ने से पंजाब बचाओ यात्रा पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनकी इस यात्रा के दौरान लोगों का काफ़ी समर्थन देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा है कि सुखबीर बादल की जगह विक्रम मजीठिया अब पंजाब बचाओ यात्रा की कमान संभालेंगे। पंजाब बचाओ यात्रा आज लुधियाना के पायल से रवाना होगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।